के सेशन में हम लोग सीखेंगे कि इलस्ट्रेटर में किसी भी टेक्स्ट को क्लिप मास्किंग कैसे किया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इलस्ट्रेटर को ओपन करेंगे और यहाँ से हम एक न्यू फाइल लेंगे। न्यू फाइल लेने के बाद यहाँ मिनिमम पेज को ही सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारा एक वाइट बैकग्राउंड ओपन हो जाएगा। यहाँ से फिर हम टी पे क्लिक करेंगे टेक्स्ट के लिए। तो यहाँ पे हम कुछ भी लिखते हैं, पहले इसके फॉन्ट साइज को हम बड़ा कर लेते हैं ताकि हमें दिखे। और यहाँ से हम जिस स्टाइल भी चूज करना चाहते हैं फॉन्ट का वो चूज करेंगे, जो भी हमें अच्छा लगे। तो यहाँ से हम एक फॉन्ट को चूज करते हैं कोई भी। तो मान लीजिए मुझे ये अच्छा लग रहा है अल्जीरियन, ये मैंने चूज कर लिया। अब यहाँ हम लिखते हैं कुछ भी, जैसे कि लर्निंग लिखते हैं। ये हो गया हमारा। अब इसको हम सिलेक्शन टूल से सेलेक्ट करके इसके साइज को बड़ा करेंगे। ये हमारा साइज थोड़ा बड़ा हो गया। अब यहाँ पे हम जिस भी इमेज को प्लेस करना चाहते हैं उस इमेज को सिलेक्ट करेंगे। तो उसके लिए हम शॉर्ट की यूज करेंगे कंट्रोल शिफ्ट पी। क्या हम शॉर्ट की करेंगे कंट्रोल शिफ्ट पी, तीनों को एक साथ हम प्रेस करेंगे तो ये देखिए हमारा इमेज का खुल गया। यहाँ से हम कोई भी इमेज एक चूज कर लेंगे जिसको हमें वहाँ प्लेस करना है। तो हमें ये सही लग रहा है, ये मैंने चूज कर लिया, इसको हम प्लेस करते हैं। तो यहाँ से ड्रैग करके इसको हम छोड़ते हैं। अब इसको हम अच्छे तरह से एडजस्ट कर लेते हैं जो भी मैंने टेक्स्ट लिखा है उसके अकॉर्डिंग। तो ये हमने इमेज को प्लेस कर दिया यहाँ। अब हम एक शॉर्ट यूज करेंगे कंट्रोल लेफ्ट कर्ली ब्रैकेट, तो इससे हमारा जो टेक्स्ट है वो ऊपर में आ जाएगा। इसको हम सही से एडजस्ट कर लेते हैं जहाँ भी हमें अच्छा लगेगा। उसके बाद हम सिलेक्शन टूल से इमेज एंड टेक्स्ट दोनों को एक साथ सिलेक्ट करेंगे क्लिप मास्किंग के लिए। ये देखिए हमारा दोनों टेक्स्ट एंड इमेज दोनों सेलेक्ट हो चुका है। अब हम क्लिप मास्किंग के लिए शॉर्ट की यूज करेंगे कंट्रोल 7। तो ये देखिए हमारा क्लिप मास्क हो चुका है। अगर हम कंट्रोल 7 नहीं यूज करना चाहते हैं शॉर्ट की, तो इसके लिए सेकेंड मेथड भी है, बैक जाके हम बताते हैं। ये हो गया। दूसरा मेथड ये है कि दोनों इमेज को हम सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इमेज पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से हमारा दोनों इमेज सिलेक्ट नहीं हुआ है, पहले दोनों इमेज को हम सिलेक्ट करेंगे, हो गया। फिर यहाँ राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ आ रहा है ऑप्शन मेक क्लिपिंग मास्क, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो ये देखिए हमारा क्लिपिंग मास्क हो चुका है। तो इस तरह से हम टेक्स्ट क्लिपिंग मास्क करेंगे।